हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं टाइम टॉक्स के एक और एपिसोड में। आज बात करेंगे गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में। ट्रेलर देखकर तो वाइब बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। मतलब ट्रेलर देखने में अच्छा है, फनी है, सीजीएक्स तो एकदम धासू है, परफेक्ट है, पर साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि गार्डन में से इस बार हमें कोई ना कोई पक्का छोड़कर जाने वाला है। हाई चांसेस है कि वो रोगी ड्रैकून या ड्रैक्स में से एक होने वाला है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर बात करूँ इस मूवी के प्लॉट की, तो इस मूवी में रॉकी ड्रैकून पर हाई फोकस किया जाएगा, उसकी ओरिजिन को एक्सप्लोर किया जाएगा और शायद उसे मार भी दें। और सच कहूँ तो यही बात मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बात करूं अगर इसके ट्रेलर की, तो इस बार गार्डियंस हमें अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में नजर आएंगे और उनके पास एक नया शिप भी है जिसका नाम है बोवी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये ट्रिब्यूट है द लेजेंडरी सिंगर डेविड बोवी को, और गार्डियंस की हर मूवी में सबसे ज्यादा सॉन्ग उन्हीं के यूज होते हैं और ये जेम्स गन के वन ऑफ द फेवरेट सिंगरों में से एक है। अगले शॉट में हमें गार्डियंस दिखते हैं काउंटर अर्थ पर, जहां पर ह्यूमंस एंड एनिमल्स के हाइब्रिड रहते हैं और इनको हाई इवोल्यूशनरी ने बनाया है, जैसा कि इसके नाम से ही झलकता है। इसको अंदर से ही एक हाई चांसेस ये हैं कि यही इस मूवी का मेन विलन होगा और रॉकी ड्रैकून को भी शायद इसी ने क्रिएट किया। आगे शॉट में ये क्लिप दिखती है और भाई साहब ये इस ट्रेलर का मनी शॉट लगा मुझे तो। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि रॉकी ड्रैकून का इतना इनोसेंट फेस जेम्स गन साहब हमें शो करेंगे। इसके बाद गमोरा, हाई एवोल्यूशनरी एंड एडम वॉरलॉक के एक एक लुक देखने को मिलते हैं। देन ये वाला शॉट जिसमें पीटर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और इसको देखकर पता चलता है कि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का एंड कितना ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है और ये हमें कितना ज़्यादा दर्द देने वाला है। इस सीन की वैल्यू और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी अगर पीटर अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे गार्डियंस को देखकर चीखे चिल्लाए। मैं बोल रहा हूँ थिएटर में बवाल हो जाएगा, आग लग जाएगी, ये सीन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है मूवी के अंदर। इन दी एंड ट्रेलर एंड होता है एक फनी सीक्वेंस के साथ, जैसा कि मार्वल के हर ट्रेलर में होता है वकांडा फॉरएवर को छोड़कर। एंड लास्ट में सिल्वेस्टर स्टैलन को भी मेंशन किया है। मैं पक्का बता रहा हूँ आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, अगर हाँ तो कमेंट करके बताना और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम कितने एक्साइटेड हो गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। मैं अपनी बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और साथ ही साथ मुझे डर भी है कि ये गार्डियंस का एंड होने वाला है। पर वो कहते हैं ना कि हर कहानी का एंड होना ज़रूरी है और इसका एंड जेम्स गन साहब कर रहे हैं, तो सालों और दशकों तक याद रहेगा कि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का एंड ऐसे हुआ था। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मुझसे दोबारा मिलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो। और मुझसे पर्सनली मिलना है तो मैं यहाँ मिलूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। टिल द टाइम खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।